नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रजत गुप्ता हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी एक ऑर्थोपेडिक्स की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि हड्डियों के कैंसर को देखती है और मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक हड्डी के कैंसर के एक ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जिसे हम रोटेशन प्लास्टी कहते हैं। रोटेशन प्लास्टी आमतौर पर जो बच्चों में घुटनों में या कूल्हों में हड्डी का कैंसर हो जाता है और जिनकी उम्र 10-12 साल से कम होती है उनमें किया जाता है। उसमें कैंसर ग्रसित हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी बची टांग को ऊपर जोड़ दिया जाता है और 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो एंकल जॉइंट है वो नी जॉइंट के प्लेन में काम करने लगता है और एंकल जॉइंट जो है अब नी जॉइंट बन के काम करता है। इससे क्या होता है कि हम उसके नीचे नकली पैर लगा के बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल सकता है, दौड़ सकता है। अगर हम ये ना करें तो इसमें बच्चे को दूसरा ऑप्शन होता है कि पैर अगर निकालना पड़ेगा तो बिल्कुल उससे बच्चे को चलने में बहुत दिक्कत आएगी और सारी उम्र हैंडीकैप रह सकता है। लेकिन रोटेशन प्लास्टी में एक बार उसके नीचे नकली पैर लग जाए तो बच्चा नॉर्मल तरीके से चल फिर सकता है, अपने सारे रोज़मर्रा के काम कर सकता है। आमतौर पर जब भी हड्डी का कैंसर होता है किसी मरीज को, तो हम उसमें लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करना प्रेफर करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी उनको जोड़ बदल दिया जाता है तो कुछ सालों के बाद वो जोड़ हमें बदलना पड़ता है, वो सारी उम्र नहीं चलता है। दूसरा, वो जोड़ अपने आप लंबा नहीं होगा जैसे बच्चे की कद बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आज जिसका वज़न 20 या 25 किलो है, जब वो बड़ा होगा 50 किलो 60 किलो का होगा तो वो वाला जोड़ उतना वज़न नहीं झेल पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा और हमें उसको बदली करना पड़ेगा। और ये बदली करना हमें कुछ सालों में, जो कि 5 से 10 साल या 15 साल हो सकते हैं, उसमें बदली करना पड़ता है। और मरीज़ अगर पूरा अपनी लाइफ टाइम में उसको 5 या 6 बार जोड़ बदलवाना पड़ता है और ये काफ़ी मुश्किल होती है, बिकॉज़ हर सर्जरी पहले से और मुश्किल होते जाती है। इसलिए ऐसे बच्चों जो जिनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसमें हम रोटेशन प्लास्टी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इससे पैर जब घूम जाएगा तो बच्चे को बार बार ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आएगी। एक ही ऑपरेशन से उसका आगे की सारी ज़िंदगी चल सकती है और फंक्शन वाइज भी वो बच्चा दौड़ना, भागना, जंप करना सब कुछ कर सकता है, जो कि एक मेगा प्रोस्थेसिस में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। हाँ, हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को जल्दी आना चाहिए ताकि हम उस कैंसर को फैलने से रोक पाएँ, और अगर कैंसर जोड़ तक नहीं पहुँचा हो तो हम जोड़ बचा के उसका पैर बचा सकते हैं। अगर आपको हड्डी के कैंसर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो या फिर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर और लिंक पर क्लिक करके उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।